हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं नीरज और आप देख रहे हैं INCCS चैनल। सो टाइम में हम लोग देख रहे थे बेसिकली ये टाइम टाइम के ये सारे पार्ट्स हमने देख लिया। अब टाइम अगर आप देखते हैं, अगर हम एक वॉच देखते हैं तो क्या होता है, इसमें अलग अलग टाइम्स होते हैं। तो ये टाइम्स को कैसे हम लोग बोलते हैं, वो CLOCK वो क्लॉक। अगर हम इस पे बात करें कि 1 o'clock है तो हमको नहीं पता है कि ये AM PM है, दैट्स ऑब्वियसली उसके बाद मैं आपको बताता हूँ AM PM को कैसे यूज करेंगे। सो 1 o'clock, तो अगर इस पार्ट को हम देखेंगे तो दिस इज ये आपका आवर है और ये आपका मिनट्स है और इसके बाद जो आता है वो सेकेंड्स में आता है। तो हमको देखना है आवर्स, तो आवर्स का हमने कर लिया था, मिनट्स का हमने कर लिया, वैसे ही सिमिलरली अब 1 hours। So this part is called tian, and ये part है minutes वाला, so it's called fanchong, but it used for tian chong। So आपको क्या याद करना है, अगर वो clock में मुझे बात करना है तो आपको basically दो words याद करना है, tian chong, tian, D-I-A-N, tian, so आप इसको बोल सकते हो हिंदी में tian chong। अब हम इसका देखते हैं एप्लीकेशंस कैसे यूज करेंगे tian chong को, क्योंकि 1 o'clock, तो 1 इज अ नंबर, ये एक नंबर है जिसको हमको पता है और उसके बाद जितने भी चीजें मुझे पता है वैसा यूज करेंगे। सो लेट्स लुक एट एक फ्रेज, इसमें देखते हैं कि यह कैसे यूजेस होगा। सो वन इन चाइनीज आपको पता है, वन को हम लोग ई बोलते हैं एंड डॉट है जिसको हम लोग tian chong। अगर हम देखें तो इट्स कॉल्ड tian chong। अगर आपको प्रोनाउंसिएशन पता होगा तो आपको कोई भी डिफिकल्टी नहीं होगी इसमें। सो 1 o'clock tian chong। सिमिलरली अगर हम 2 o'clock बोलते हैं, सो 2 इज tian chong। सिमिलरली अगर हम 3 o'clock बोलेंगे, सो इट विल बी san tian chong। तो अगर आपका नंबर्स 1 to 12 तक क्लियर है, 1 to 24 तक क्लियर है, तो आपको 1 hours से लेके 12 hours तक आप आराम से बोल सकते हो yi tian chong, er tian chong, san tian chong, se tian chong, wu tian chong, liu tian chong, qi tian chong, pa tian chong, qiu tian chong, shi tian chong, shi yi tian chong, shi er tian chong। सो हमारा जो वॉच था बेसिकली 12 o'clock, सो 12 o'clock आपको आ गया। अब आपको देखना है कि अब 1 o'clock टू 12 o'clock आपको आ गया ये सर चीज़ कि कैसे इसको यूज करेंगे। अब प्रैक्टिकली देखना है कि अगर मैं इसमें कुछ चेंजेस करता हूँ, आपको आ रहा है 1 o'clock, अगर मैं इसको 1:15 बोलता हूँ, 1:15, तो 1 1 e सेम tian, यहाँ पे कोई मिनट्स नहीं था इसलिए चौंग आ रहा था, नाउ इट्स मिनट्स। सो मिनट्स का मैंने बताया था आपको कि कैसे हैं, सो और स्पेसिफिकली 15 को हमने स्पेशली 15 मिनट्स के लिए एक वर्ड बताया था, वो था ख। तो आप ऐसे भी यूज कर सकते हो etn ख, शॉर्टकट etn ख, ख इज 15 मिनट्स। ऐसे ही था एक और वर्ड्स जो मैंने आपको बताया है इज पान। सो अगर आप इसको ई tian pan, so क्या हो जाएगा 1:30, e tian kh, e tian pan,
सिमिलरली अगर आप 145 करना चाहोगे तो ई आपको पहले से पता है, टीएन पहले से पता है, 15 इट्स अ 15, सो 45 मिनट्स इसका 3 × 15, सो इट्स सान ख, सो ई टीएन सान ख। तो जो नॉर्म्स हैं जो चाइनीज में है वो 15 मिनट्स को ख बोलते हैं, 30 मिनट्स को पान बोलते हैं, 45 मिनट्स को सान ख बोलते हैं। बेसिकली इसको कैसे यूज कर सकते हैं हम, शॉर्ट फॉर्म ये सारे, सो ई टी एन ख 115, ई टी एन पान 130, ई टी एन सान ख 145। इसके अलावा एज इट इज आपको पता है, नंबर्स आपको पता था, तो हमको थ्री वर्ड्स और पते हैं इसके अलावा, तो अब हम उसके थ्रू प्रैक्टिस करेंगे। वो ये वर्ड्स थे जो आपको पता है, वो वर्ड्स था फर्स्ट आवर इज शाओ शर, सिमिलरली मिनट्स था फन चोंग, वैसे ही सेकंड था म्याओ। हम लोगों ने ओ क्लॉक का कॉन्सेप्ट देख लिया, ओ क्लॉक का कॉन्सेप्ट में जो शॉर्टकट फॉर्म थे वो सारे हमने यूज कर लिया। अब जो बेसिकली जो कॉमन कन्वर्सेशन में यूज होता है द सेकंड पार्ट, वो भी हम यूज करेंगे। सो नाउ यूज 115, तो हमने अब 115 किया था, सो 15 इज द नंबर, सो टेन, सो ई टेन, अब 1 hour, सो ई टेन 15 मिनट, सो 15 वर्ड इज शर उ, ई टेन शर उ फन चोंग, फन चोंग इज मिनट्स, सो मिनट्स को हम लास्ट में यूज करते हैं, ई टेन शर उ फन चोंग। सिमिलरली अगर हम 120 लिखते हैं तो ई टेन आर शर फन चोंग, अगर आपका नंबर क्लियर होगा तो देन इट इज फाइन। तो ये सब अब नंबर गेम्स पे चलेगा, फन चोंग। सो दिस इज योर पैटर्न फॉर आवर्स एंड मिनट्स 115, 1 hour, सो 115 का कॉन्सेप्ट हो गया, 130 का हो गया, 120 का हो गया, नाउ इज 130, सो अगेन 30, सो इज ई टेन, 30 इज नंबर वाइज सान शर फन चोंग, सो ई टेन सान शर फन चोंग 130। सो दीज आर इन, ये क्लॉक वाइज में आ गया। अब बेसिकली स्पेसिफिक टाइम के बारे में, जो हम लोगों ने दो चीज पढ़ा था, एक श्रुचेन एंड श्रह। अब श्रुचेन के बारे में अगर हम देखें तो ये सारा आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, ई त्यन श्रु पंचोंग, ई त्यन अश्र उ पंचोंग, ई त्यन सन श्र पंचोंग। अब इसको क्या बोलते हैं, श्याओ श्र पंचोंग इज मिनट्स, सेकेंड इज म्याओ। इसके अलावा जो कॉन्सेप्ट है टाइम्स में जो यूज करते हैं वो है कॉन्सेप्ट एक्चुअली, और ये कॉन्सेप्ट है यहाँ पे हम लोग फिर से देखेंगे। बेसिकली ये कॉन्सेप्ट में है वन आवर, टू आवर्स, थ्री आवर्स, सो वन यू नो ई आवर इज श्याओ शर, 2 hours, सो अर और लियांग, जैसे कि आपको नंबर्स पता है अर और लियांग, श्याओ शर, श्याओ शर 3 hours, सन श्याओ शर। सो चूंकि हमको पता है तो ई श्याओ शर, लियांग श्याओ शर, सन श्याओ शर। बट अगर हम ध्यान से देखेंगे इसमें एक पार्ट है ग्रामर का, एक है एक सिंगुलर आवर, एक प्लूरल है आवर्स, ये आवर्स। जैसा ही कि नंबर बढ़ रहा है, 1, 2 में जैसे ही कन्वर्ट होता है तो इट्स प्लूरल में चला जा रहा है, 3 में जैसा होगा प्लूरल। तो यहाँ पे भी ऐसा कॉन्सेप्ट है, उसके लिए जिसको वर्ड बोलते हैं जी ई इज ऑलवेज यूज लाइक द, इट्स कॉल्ड मेजर वर्ड
वर्ड इन चाइनीज, बेसिकली इट यूज फॉर द डिफरेंट एप्लीकेशंस। तो ये जो अलग अलग एप्लीकेशंस यूज होते हैं ग, तो क्या करते हैं बेसिकली हम सिमिलर और प्लूरल करने के लिए इस मेजर वर्ड को यूज करते हैं, मेजर करते हैं। तो ये वन था, तो वन था, तो अगर हम ई ग श्याओ शर, ई ग श्याओ शर, सो इट विल बी वन आवर और एन आवर, वन आवर और एन आवर बोथ आर द सेम। अगर मैं टू आवर्स में भी करता हूं तो कोई कन्वर्जन नहीं है, टू आवर लियांग ग श्याओ शर, सो लियांग ग श्याओ शर, तो इट्स ऑटोमेटिकली, सो दिस ग इज अ मेजर वर्ड, इट्स डायरेक्टली शोज योर प्लूरल, सो ई ग श्याओ शर वन आवर, एन आवर लियांग ग श्याओ शर टू आवर्स, सो कॉन्सेप्ट इज क्लियर। बेसिकली इसके जो की पॉइंट्स है, नाउ विल लुक एट दैट, इसके जो की पॉइंट्स है ये सारे आपको प्रैक्टिकली कराया गया था कि आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए, अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो। अगर इसके की पॉइंट्स देखा जाए तो टाइम्स में हम लोगों को कितने चीज़ें याद करना है बेसिकली, तो याद करने के लिए जो टर्म्स हैं वो है एक टाइम जिसको हम लोग शुर चियान बोलते हैं, शुर चियान इज द टाइम। अनदर वर्ड है शुर हाउ इज द टाइम ऑल्सो, इट्स टाइम एंड मोमेंट। इसके अलावा जो मुझे याद करना है वो क्या है बेसिकली आवर्स, मिनट्स और सेकेंड्स, तो हमने सारा कर लिया है। आवर्स इज श्याओ शुर, मिनट्स इज फंचोंग एंड सेकेंड इज म्याओ। सो बेसिकली दीज आर द टर्मिनोलॉजी जिसको है उसके ऊपर हमको फोकस करना है। ये टाइम क्या है स्पेसिफिकली, ये टाइम्स का एक आपका जस्ट इंट्रोडक्टरी सेशन है, इसके अलावा एक और वीडियोस होगा जिसमें हम लोग डिटेल्स में टाइम का कैसे एप्लीकेशंस हैं, बेसिकली कहाँ पे हम इसका सेंटेंसेस में यूज़ करेंगे, सेंटेंसेस कैसा होगा, क्वेश्चंस कैसे रेज होंगे टाइम्स के बेस पे, वो सारी चीज़ हम लोग इसके नेक्स्ट वाले पार्ट में हम लोग देखेंगे।